इसमें देखते हैं अब इसमें हम राय लेते हैं अपने सब दोस्तों की। अब देखते हैं मेरे उस्ताद ये मोहतरम नपर पहना तो मैंने उन्हें देख के पहन लिए कि शायद नीचे निचले का प्रोग्राम है। हमारे साथ इस ग्रुप के अंदर दो लाशें भी हैं, मैं अभी उन दो लाशों से आपका तारुफ करवाता हूँ जी। इनमें से एक लाश अभी जाग रही है, इनसे बात करते हैं जी। अजमल साहब कैसा फील कर रहे हैं आप ऐसे एनवायरनमेंट में आके, ये आपकी फर्स्ट जर्नी है, जरा कुछ बताएंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ जरा शेयर। बहुत अच्छा फील है। नहीं इतनी सी बात से नहीं, वैसे बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजा। साहब बेसिक सवाल, आप लाश कब बने? हाँ ये सानिया कब पेश आया? जब सीट बदली चार घंटे पहले। मैं तो एक्टिव हूँ। दूसरी लाश ने पहली लाश को देख के फौरी सिग्नल पकड़ ली है, अब वो हम उनसे बात करेंगे जी। कदीर भाई अच्छा हले पहले अजमत साहब का तो इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, वो बात शुरू करेंगे। अजमत साहब सुने कि तुम वो एहराम मिस्र तो निकल के आए हो? अच्छा ये एहराम मिस्र की वो मम्मी है जो गायब हो गई थी पिछले दिनों। अच्छा 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 अच्छा, तो अजमत साहब कुछ शेयर करें ना अपनी बातें जरा थोड़ी सी। आप ये देख सकते हैं कि खिड़कियां जनाब नहीं खोली जा रही, बाहर बर्फ बहुत ज्यादा, बर्फ है, ठंड का लेवल बहुत ज्यादा है, हवा में ठंडक है, नमी है, बारिश हो रही है, बारिश का समा चला हुआ है। और वो लोग जो नहीं हमें ज्वाइन कर सकते वो कर सके, वो बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली खुरम भाई आपको मैं कहूंगा कि जनाब आपने लेट कर दिया बताने में, तो नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा कि डिसीजन लेने में इतना टाइम ना आप लगाएं, फौरी से पहले जो है ना डिसाइड कर लिया करें। हम सब दोस्तों ने बड़ी कोशिश की है कि आप किसी तरह से इसमें जो है ना ऐड हो जाएं, लेकिन कंडीशन देख सकते हैं आप क्या है इस टाइम, स्पेस हमारे पास कितनी है।